तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कल का एक दुबई D10 डिवीज़न 2 का मैच का होगा, जो कि कल खेला जाएगा। तो आज ही वीडियो बना रहा हूँ तो आपको थोड़ा हेल्प होगा वीडियो देखने और एनालाइज करने। थोड़ा इस वीडियो में बात करेंगे गाइस, यहाँ पर पहले देख लो मैच कौन कौन सा है। आर ए एस वर्सेस CY के बीच में मैच खेला जाएगा। इस मैच में आपको थोड़ा प्लेयर के स्टैट दिखाऊंगा, प्लेयर के स्टैट दिखाने के बाद थोड़ा प्लेयर के रिसेंट मैच में कैसा परफॉर्मेंस कर रहे वो भी दिखाऊंगा, और बाद में आपको दोनों टीम में कौन सा तो हेड टू हेड मैच हुआ है कि नहीं की वो भी दिखा दूंगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दो गाइस। और यहाँ पे अभी तक फ्री एंट्री ऐड नहीं हुई तो ज़रूर ऐड हो जाएंगे कल। तो अभी के लिए टीम बना के रेडी रख लो, और कल यहाँ पे फ्री एंट्री ऐड हो जाएंगे तो तब आप फ्री एंट्री ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी के लिए यहाँ पे हेड टू हेड है, काफ़ी सारे हेड टू हेड है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो गाइस, पहले देखते हैं दोनों के प्लेयर के स्टैट कैसा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्लेयर के रिसेंट मैच देख लेते हैं। तो पहले CY के कुछ प्लेयर के रिसेंट मैच में कैसा है वो देख लेते हैं। उसमें पहले आते हैं यहाँ पे मोहम्मद आवाज जूनियर। तो पिछले मैच में सिर्फ एक विकेट लेके आए थे मोहम्मद आवाज, पिछले मैच में एक रन बना के आए थे और बॉलिंग में विकेट नहीं लेते पिछले मैच में। मोहम्मद आवाज मंसूर, दो तीन मोहम्मद आवाज है तो तीनों में कम्बिस मत हुए। मंसूर हुसैन, इनका उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं यहाँ पे। बुरादीन सबीर, पिछले मैच में विकेट नहीं लेता, पर उससे पहले दो विकेट, उससे पहले एक विकेट और उससे पहले तीन विकेट लेके आया था, तो इस मैच में विकेट लेके आ सकता है, पिछले मैच में विकेट नहीं लिया था। हतीफ़ अबिड अली, पिछले मैच में 55 रन बनाया था, उससे पहले जीरो, उससे पहले 18 रन बना के आया था, और बॉलिंग में पिछले दो मैच में एक एक विकेट लेकर आया। तो बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़ा खेलता है, खेलेगा तो उनको जरूर पिक करना अगर खेलेगा तो। जमान अत्तरी, ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है, पिछले मैच में 13 रन, उससे पहले 7 रन, उससे पहले 52, 66 रन बनाया गया था, और बॉलिंग में पिछले दो मैच में विकेट नहीं लेकर था, पर उससे पहले मैच में दो विकेट लेके आया था। रिजवान खान, पिछले मैच में 10 रन बनाया था, उससे पहले जीरो, उससे पहले 3 रन और उससे पहले 13 रन बनाया गया था, और बॉलिंग में पिछले दो मैच में एक एक विकेट लेके आया था। हमीद नवाज, पिछले मैच में 5 रन, उससे पहले 24, उससे पहले 0 रन बनाया गया था, और बॉलिंग में पिछले दो मैच में बॉलिंग में विकेट नहीं लेता, पर उससे पहले मैच में एक मैच में 4 विकेट लेके आया था। मोहम्मद मुस्तफ़ा, पिछले मैच में सिर्फ एक रन, एक विकेट लेके आया था, उससे पहले विकेट नहीं लिया था। चरित्र निर्मला, पिछले मैच में 6 रन और बॉलिंग में अभी तक पिछले दो मैच में बॉलिंग नहीं किया यहाँ पे। फराड खान, पिछले मैच में 4 रन और दो मैच में विकेट नहीं लेके आ रहे। जशन अली, पिछले मैच में 2 रन। अफजंदर खान, पिछले मैच में 10 रन बनाया गया था और उससे पहले 0 रन, उससे पहले 3 रन बनाया गया था, और बॉलिंग में पिछले मैच में दो मैच में एक एक विकेट लेके आया था। अतीक उर रहमान, पिछले मैच में 38 रन बनाया था, उससे पहले 3 रन, उससे पहले 33 रन बनाया था, तो प्लेयर बहुत बड़ा है, हर मैच अच्छे परफॉर्मेंस करके आ सकता है। अब्दुल रहीम उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं इनका। फयाज आवान, पिछले मैच 5 रन, उससे पहले 4 रन बनाया गया था। अरफन मोहम्मद, पिछले मैच 1 रन, उससे पहले 0, उससे पहले 1 रन बनाया गया था, उनका भी उतना अच्छा नहीं है। हजरत बिलाल का, पिछले मैच विकेट नहीं लेता, पर उससे पहले 2 विकेट लेके आया था। बसीत अली, पिछले मैच सिर्फ 1 रन और बॉलिंग में विकेट नहीं लेता, पर उससे पहले मैच में 2 विकेट लेके आया था। नेतप्रीत केविन, पिछले मैच 6 रन और 2 विकेट लेके आया था दो मैच में। जाहिर सिद्धू की, पिछले मैच 5 रन, उससे पहले 13 रन बना के आया था। तेहर खान, पिछले मैच में विकेट नहीं लिया था, बॉलिंग में नहीं की थी, बैटिंग में नहीं किया था, पर उससे पहले मैच में विकेट नहीं लेता, वो एक मैच में 2 विकेट लेके आया था। प्लेयर बहुत बड़ा है, अभी खेलेगा तो उनको जरूर पिक करना। अली अनवर, पिछले मैच 54 रन बनाया गया था, उससे पहले 15 रन, उससे पहले 7 रन बनाया गया था, और बॉलिंग में पिछले मैच बॉलिंग नहीं किया था, पर उससे पहले बॉलिंग किया था और 2 विकेट लेके आया था। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद रुमान, पिछले मैच 8 रन बनाया गया था और उससे पहले बैटिंग नहीं थी। मोहम्मद सियान, वो उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इनका, और समल उदनंद भी उतना उनका भी उतना अच्छा नहीं है। RAS प्लेयर का देख लेते हैं उनका कैसे है रिकॉर्ड। पहले आते हैं मोहम्मद हसन, पिछले मैच 7 रन, उससे पहले 4 रन, उससे पहले 23 रन बनाया गया था, और बॉलिंग में पिछले मैच में छोड़कर सब मैच विकेट लेके आया था। अब्दुल मलिक, प्लेयर बहुत बड़ा ऑलराउंडर, पिछले मैच 23, उससे पहले बैटिंग नहीं आई थी, उससे पहले 2 मैच डक पर आउट हुआ था, और पिछले मैच में विकेट नहीं लेता, पर उससे पहले 1 विकेट लेके आया था। फहद तारिक, पिछले मैच 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 2 विकेट लेके आया था, बहुत बड़ा बॉलर है, उनको जरूर पिक करना। सैयद मकसूद हुसैन, पिछले मैच 0 पर आउट हुआ था, उससे पहले 96 रन बनाया था, उससे पहले 2 मैच में 1-1 रन बनाया गया था। मोहम्मद रशीद, पिछले मैच में विकेट बॉलिंग नहीं की थी, पर उससे पहले 2 मैच 1-1 विकेट लेके आया था। फैजल अमीन, पिछले मैच 2 विकेट, उससे पहले 2 विकेट और उससे पहले 1 विकेट लेके आया था, तो हर मैच विकेट लेके आया था, तो ग्रैंड लीग में इनको छोड़ सकते हो, विकेट लेके नहीं जा सकता फजल अमीन ने।
तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे उस्मान मुनीर, पिछले मैच में खेला था, उससे पहले 2 रन बनाया गया था, उतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका। अपूर्व शिवशिष्टा, इनका रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे। मोहम्मद यस्टिन सिद्धू की, पिछले मैच 0 रन, उससे पहले 23 रन बनाया गया था। और बॉलिंग में पिछले मैच विकेट नहीं लेकर था, पर उससे पहले मैच 2 विकेट लेकर था। अंकुर सांगवान, पिछले मैच 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, तो सब मैच विकेट लेकर था अंकुर सांगवान। जरूर इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, प्लस स्मॉल लीग में भी। फैजान शेख, पिछले मैच 10 रन, उससे पहले 9 रन बनाया गया था। अंदाना खान का देख लेते हैं यहाँ पे, उनका कैसा है रिकॉर्ड, तो उनका देख लो, पिछले मैच 29, उससे पहले 7 रन, उससे पहले 38, 49 रन बनाया गया था। तो ये प्लेयर बहुत बड़ा है, बैटिंग बहुत बड़ा करके आता है। मोहम्मद मुजमिल, उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं इनका। रहमान गुल का, पिछले मैच में उनका भी उतना अच्छा नहीं है। कलसेकर का नहीं है रिकॉर्ड यहाँ पे। साफिर तरक्की, पिछले मैच 22, उससे पहले 9 रन, उससे पहले 27, उससे पहले 19 रन बनाया गया था। इनका भी ठीक ठाक फॉर्म से। अब्दुल हाफिज अफरीदी, पिछले मैच 0 रन, उससे पहले 16 रन, उससे पहले 25, उससे पहले 22 रन बनाया गया था। और विकेट से एक मैच में 5 मैच सिर्फ 1 विकेट लेके आ रहा है, तो बॉलिंग में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। और सजल करी, पिछले मैच में 1 विकेट लेके आया था। तो ये हुआ प्लेयर के रिसेंट परफॉर्मेंस, रिसेंट मैच में कैसे परफॉर्मेंस करके आ रहे। अब देखते थे प्लेयर स्टेडियम में कैसे परफॉर्मेंस करके आ रहे। तो T10 में ये अफरीदी 6 मैच में 91 रन बना के आ रहे, 25 का हाइयर स्कोर है। ए मलिक 5 मैच 30 रन, 23 का हाइयर स्कोर है। ए खान का 7 मैच 210 रन, 50 का हाइयर स्कोर है इनका। अली अनवर 5 मैच 112 रन, 54 हाइयर स्कोर है। ए रहमान 5 मैच 83 रन, 38 का हाइयर स्कोर है। और यहाँ पे एच नवाज है, 7 मैच 86 रन बना के आ रहे, 24 हाइयर स्कोर है। एच अली का 3 मैच 35 रन, 18 का हाइयर स्कोर है। और नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे एम रोमन 7 मैच 49 रन बना के आ रहे, 22 उनका हाई स्कोर है। यस मकसूद 7 मैच 212 रन, 96 हाई स्कोर है। जेड अतरी 6 मैच 184 रन, 66 इनका हाई स्कोर है। वही बॉलिंग में अफरीदी 6 मैच 1 विकेट लेकर आ रहे हैं। मलिक 6 मैच 5 मैच 6 विकेट। अनवर 5 मैच 3 विकेट। सांगवान 2 मैच 3 विकेट। सबीर 4 मैच 6 विकेट लेकर आ रहे हैं। एफ तरक्की 7 मैच 6 विकेट। एफ अमीन 4 मैच 5 विकेट। और नवाज ने 7 मैच 6 विकेट लेकर आए। रशीद 7 मैच 5 विकेट। और हसन 5 मैच 4 विकेट लेकर आए। केविन 4 मैच 2 विकेट। आर खान 7 मैच 4 विकेट लेकर आए। और अतर ने 6 मैच 2 विकेट लेकर आए। तो वैसे हुआ कुछ दोनों टीम के प्लेयर के स्टैट देख लिया, हम दोनों टीम के स्टेडियम में कैसे परफॉर्मेंस करके आ रहे तो वो भी देख लिया। तो चलो गाइस अब देख लेते हैं दोनों टीम ने तो कोई हेड टू हेड मैच खेला कि नहीं, कि वो देख लेते हैं। अगर खेलेंगे तो कौसा कैसा परफॉर्मेंस करके आ रहे वो भी देख लेते हैं। तो एक ही मैच हुआ था इन दोनों के बीच में, उसमें कोल बॉयज ने ये मैच 30 रन से आसानी से जीत ली थी। तो वो देख लेते हैं स्कोर कार्ड कैसा हुआ है, कैसा कैसा प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस करके आ रहा है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले सिवाय यानी कोल बॉयज यहाँ पे दिखा रहा है, और उनका टीम का शॉर्ट फॉर्म है सिवाय। उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 134 रन बना के आए थे 10 ओवर में। तो उनके बैटिंग सिस्टम में देख लो, एफ अवन 4 रन बना के आउट होता पहले, एम रोमन डक पर आउट होता, आर खान 13 रन बनाया था, जेड अतरी 66 रन की पारी खेल आए थे, निर्मल 7 रन बनाया था, एच अली 17 रन, एच नवाज 12 रन बनाया था, और सिद्धू की 5 रन पर आउट हो गए थे। वही बॉलिंग में यहाँ पे मुनीर विकेट नहीं लिया था, अफरीदी ने विकेट नहीं लिया था, एम हसन 1 विकेट लेके आया था, ए मलिक 4 विकेट लेके आया था 2 ओवर में, और रशीद सिद्धू की दोनों ने विकेट नहीं लिया था, पर एफ तरक्की ने 1 विकेट लेकर आया था उनकी तरफ से। वही यहाँ पे RAS ने ये मैच हार गई थी सिर्फ 10 ओवर में 104 रन बना के 4 विकेट खोकर, पर ये मैच चेज नहीं कर पाई थी। उनका देखो स्कोर कार्ड, यस मकसूद 1 रन पर आउट हो गए थे, ए खान 49 रन बनाया था, अफरीदी 22 रन बनाया था, एफ शेख 10 रन बना के आउट नहीं होता, ए मलिक 0 पर आउट हो गए थे, और एस तरक्की ने 19 रन बनाया था नॉट आउट पारी खेल के। और बॉलिंग में यहाँ पे एच नवाज 2 विकेट लेके था, निर्मल ने 1 ओवर का था उसमें 20 रन पिटाया हुआ था उनका, एन केविन 1 विकेट लेके आया था, और जेड अतरी विकेट नहीं लेता, आर खान भी विकेट नहीं लेता, और बी सबीर ने 1 विकेट लेके आया था। तो ये हुआ था कुछ मैच सर में मैच समरी दोनों टीम के बीच में। पिछले मैच हुआ था हेड टू हेड मैच, और कोई मैच नहीं हुआ, सिर्फ एक ही मैच हुआ है। और इस स्टेडियम में कुछ मैच हुए तो वो भी अच्छा खासा मैच हुए, चेजिंग करने वाली टीम हारी है सब मैच में। तो इस मैच
इस पिच में चेस करना मुश्किल है। तो देख लो, टॉस के ऊपर डिपेंड हो सकती है मैच। अगर टीम बॉलिंग कर रही है तो उनको थोड़ा ज़्यादा नहीं ले सकते, बैटिंग करने वाली टीम को ज़्यादा आप ले सकते हो। तो चलो गाइस टीम देख लेते हैं। मैं ऑलरेडी टीम बना चुका हूँ तो मैं उसको एडिट करके दिखा दूँगा आपके सामने। चलो गाइस देख ले टीम कैसे है मेरी। तो गाइस एक मेरी स्मॉल ही टीम लगी। तो पहले इस टीम में मैं यहाँ पे मैं 3 बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ। पहले देख लो यहाँ पे सैयद मकसूद के साथ जाऊँगा। सैयद मकसूद का जो रिकॉर्ड देख लो यहाँ पे मकसूद का, पिछले मैच डक पर आउट हुए थे पर उससे पहले मैच 96 रन की पारी के गए थे और उससे पहले 2 मैच फ्लॉप हुए थे। तो इस मैच में फ्लॉप हुए लास्ट मैच में, तो इस मैच में एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ सकते हैं मेरे हिसाब से। तो ज़रूर इनको ग्रैंड लीग में कैप्टन ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी ट्राई करूँगा कैप्टन क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर है, इसकी वजह से मैं इनको ट्राई करूँगा। हमीद नवाज कर लेते, पिछले मैच में देख लो सिर्फ 5 रन बनाए गए थे, उससे पहले 24 रन बनाए गए थे और बॉलिंग की थी और एक मैच 4 विकेट लेकर आए। तो बॉलिंग करते बॉलिंग भी अच्छा कैसा कर लेते और बैटिंग भी बहुत बढ़िया करके आते, तो इसकी वजह से मैं इनको पिक करूँगा। देख लो कैप्टन वाइस कैप्टन इनको भी ट्राई कर सकते हो, सैयद मकसूद और हमीद नवाज दोनों को एक ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना, आपको अच्छा खासा विनिंग करके दे सकते हैं। नेक्स्ट ऐप पे लिया मैं अब्दुल हाफिज़ आफरीदी को, पिछले मैच डक पर आउट हुए थे आफरीदी पर उससे पहले 16 रन 1 विकेट, उससे पहले 25 रन 2 डॉट बॉल किया था। तो बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़े कर लेता है आफरीदी, इसकी वजह से मैं आज इनको पिक करूँगा। अभी के लिए मेरे 3 सेफ विक रहेंगे स्मॉल लीग के लिए, अगर अली अनवर खेलेगा तो मैं उनको भी ले लूँगा। विकेट पोजिशन में मुझको एक ही खास लग रहा है वही अंदाना खान, क्योंकि पिछले मैच में 29 रन बनाया था, उससे पहले 7 रन, उससे पहले 38 रन, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके आता हर मैच में, हर मैच अच्छा खासा रन बना के आता है। एक मैच में 49 रन बनाया गया था सीवाई के खिलाफ, तो इसकी वजह से मैं जिनको पिक करूँगा अंदाना खान को। तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अतीकुर रहमान खेलेगा तो 3 ऑप्शन हो जाएंगे, तीनों में से कोई एक को आप पिक कर सकते हो। वही ऑलराउंडर में यहाँ पे 4 ऑलराउंडर के साथ जाऊँगा। तो पहले मैं जवान अत्तरी के साथ जाऊँगा। अत्तरी का रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच 30 रन बनाया था, उससे पहले 7 रन, उससे पहले 52 रन, 2 विकेट लेके आया था और एक मैच 66 रन बना के आया था और बॉलिंग में विकेट नहीं लेके आया था। तो यही प्लेयर बहुत बड़ा है अत्तरी, बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़ा कर लेता, तो सेफ टीम जा रहा हूँ इसलिए सेफ पिक होना चाहिए। मैं ग्रैली में इनको छोड़ दूंगा क्योंकि पिछले दो मैच की वजह से इस मैच में फ्लॉप हो सकते हैं मेरे हिसाब से और चल भी जा सकते हैं, बोल नहीं सकते क्या होगा टीम में। अभी के लिए मैं जमा अतरी के साथ जाऊँगा। नेक्स्ट मैं अब्दुल मलिक के साथ जाऊँगा, पिछले मैच 23 रन, उससे पहले 4 डॉट बॉल किए थे पर रन नहीं बना पाए थे और उससे पहले मैं मैच में 1 विकेट और उस एक मैच में 4 विकेट लेके आए। तो प्लेयर बहुत बड़ा है भी, हर मैच अच्छे परफॉर्मेंस करके आता है, बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़ा करके आते हैं, इसकी वजह से मैं इनको आज पिक करूँगा और मैं कैप्टन भी बनाऊँगा इनको क्योंकि उनका रिकॉर्ड ही बहुत बड़ा है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे मोहम्मद हसन तनवीर, पिछले मैच में 7 रन बना के आउट हुए थे पर उससे पहले मैच 4 रन 2 विकेट लेके आए थे, उससे पहले मैच 23 रन और उससे पहले मैच 1 विकेट लेके आए थे। तो बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़े कर रहे थे और एक वाइस कैप्टन भी पिक हो सकते हैं वाइस कैप्टन के लिए भी क्योंकि अच्छा खासा है उनका रिकॉर्ड भी है। लास्ट यहाँ पे लूँगा मैं रिजवान खान को, रिजवान खान पिछले मैच 10 रन 1 रन बनाया था प्लस 1 विकेट लेके आया था, उससे पहले 0 रन 1 विकेट और उससे पहले मैच 3 रन। तो प्लेयर बहुत बड़े हैं ये भी, बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत बड़े करके आता, तो इसकी वजह से मैं आज इनको पिक करूँगा। अभी के लिए मेरे 4 ऑलराउंडर रहेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन है रहमान गुल, रिजवान खान के जगह आप यहाँ पे रहमान गुल के साथ जा सकते हो, यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं दिखा रहा, और टी खान खेलेगा तो टी खान के साथ भी जा सकते हो तेहरा खान। अभी के लिए 4 ऑलराउंडर रहेंगे। वही बॉलिंग में यहाँ पे मैं 3 बॉलर के साथ जाऊँगा, पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा फैजल अमीन के साथ, फैजल अमीन एक बहुत बड़ा बॉलर है, इनका रिकॉर्ड देख लो पिछले मैच 2 विकेट लेके आया था, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 14 रन 1 विकेट, उससे पहले 3 डॉट बॉल किया था, विकेट नहीं लेकर आए थे पर 2 रन आउट करके आया था, हर मैच अच्छे परफॉर्मेंस करके आता है फजल अमीन। तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी एक पिक हो सकते हैं, जरूर इनको ट्राई कर सकते हो, अच्छा खासा आपको विनिंग करके दे सकता है फजल अमीन भी। नेक्स्ट यहाँ पे लूँगा मैं बहरुद्दीन सब्बीर को, सब्बीर भी प्लेयर बहुत बड़ा है, पिछले मैच विकेट नहीं लेकर था पर उससे पहले मैच 2 विकेट, उससे पहले मैच 1 विकेट और उससे पहले मैच 3 विकेट ले गया था, तो हर मैच विकेट ले गया था और बॉलिंग भी अच्छा खासा हर मैच विकेट ले गया था, तो इसकी वजह से मैं आज इनको पिक करूँगा और ग्रैंड में भी इनको कैप्टन ट्राई कर सकते हो, एक अच्छा खासा पिक हो सकता है। तो लास्ट बॉलर मैं साथ जाऊँगा मैं यहाँ पे मोहम्मद रशीद के साथ, मोहम्मद रशीद पिछले मैच खेले नहीं थे पर उससे पहले मैच 1 विकेट, उससे पहले मैच 1 विकेट फिर से और एक मैच विकेट नहीं ले गया था,
प्लेयर बहुत बड़े अभी, इसकी वजह से मैं इनको ले लूँगा, कोई ऑप्शन नहीं मेरे साथ। यहाँ पे ईस्टर्न सिद्धू की इनके भी ऑप्शन हो सकता है, आपको बहुत सारे ऑप्शन है, पर मैं यहाँ पे सेफ जा रहा हूँ, इसलिए मोहम्मद रशीद के साथ जाऊँगा। ये रहेगी मेरी स्मॉल लीग टीम, वही कैप्टन वाइस कैप्टन बात करो तो यहाँ पे मेरा कैप्टन रहेगा अब्दुल मलिक, और मैं वाइस कैप्टन बना लूँगा यहाँ पे फाजिल अमीन को। तो स्मॉल लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। अगर ग्रैंड लीग में आप ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ पे जमीन अत्तरी और फाजिल अमीन एक ग्रैंड लीग के लिए पिक हो सकते हैं, और एक बहुत बड़ा पिक हो सकते हैं सैयद मकसूद और हमीद नवाज, ये भी एक बहुत बड़ा ग्रैंड लीग के लिए पिक हो सकते हैं। तो अभी तक के लिए मेरी स्मॉल लीग टीम रहेगी अब्दुल मलिक और फाजिल अमीन, स्मॉल लीग के लिए टीम रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, यहाँ पे प्री लीग ऐड होंगे, जरूर एक बार ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच गाइस।